आंटी, आपने मुझसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। दी, आपको याद है आपने क्या कहा था मुझसे जब मैं आरवी और पूर्वी की शादी वाली रात वापस आई थी? हाँ, याद है आपने कहा था ना कि ये शादी कोई मायने रखती? चाची, आपने भी कहा था ना उनकी शादी नकली है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो दिख रहा है वो क्या है आंटी? देखिए ना, वो जेन्युइनली केयर कर रहा है, उसकी सच में उसकी परवाह करता है। अब सब ठीक है, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना? तो बस तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ। क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेट जाता हूं। मैं लाइट ऑफ करके आता हूं। नहीं नहीं, तुम आज लाइट चालू रहने दो। अच्छा ठीक है, लाइट ऑन रखते हैं, तो तुम लेट जाओ प्लीज। ओके आओ, रुको मैं ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ओके आ जाओ, ट्राई टू रिलैक्स, हाँ मत सोचो इस बारे में। ओके कंफर्टेबल? तो अभी भी शिवर कर रही है पूर्वी, इट्स ओके, तुम रेस्ट करो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ, जस्ट काम डाउन। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए, इश्क में पागल हो जाते हैं, रोक जिन्हें ये लग जाए, दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज, इश्क है प्यार का पहला, देख रही है ना, अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं आया। आंटी, लगा तो था कि आएगा। लगा था मतलब? पूरी फैमिली यहाँ पे है चाची, उसे आना चाहिए था, डेफिनेटली आना चाहिए था। कहीं सो तो नहीं गया अरवी? अरे आप सब लोग अभी यहीं हैं? कैसे बच्चों की तरह डर गई ना, बट थैंक गॉड फाइनली सो गई। बट बहुत डर गई थी, एकदम कांप रही थी, मुश्किल से सुला के आया हूँ उसको, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था उसके साथ, चूहों वाला इंसिडेंट। बस कर आरवी, बस कर, और कितना बोलेगा तू उस लड़की के बारे में? तुझे कोई और दिख भी रहा है उस लड़की के अलावा? मोनिशा दिख रही है तुझे? हाँ दिख रही है मोनिशा? मैं कुछ समझा नहीं माँ। एक बार मोनिशा की तरफ देख ले, शायद कुछ समझ में आ जाए तुझे। वो लड़की क्या डरी, तू इसे भूल गया? बोल आरवी, हमारे सामने खड़े होके तब से पूर्वी पूर्वी किए जा रहा है, मोनिशा के सामने पूर्वी पूर्वी किए जा रहा है, इन सब हरकतों की वजह से मोनिशा पे क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा भी है तुझे? माँ वो डर गई थी, मैं बस उसको संभाल रहा था। तेरे संभालने में ही तो प्रॉब्लम है आरवी, तू जिस तरह उसे संभाल रहा था हमारे सामने, मोनिशा के सामने, यही तो प्रॉब्लम है। और तू जिस तरह ये सब कुछ कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है जैसे तुझे उसके, मैं उसे क्या लग रहा है माँ? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए वो आज इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। माँ आप क्या सोच रही हो? अरे मैंने कहा ना वो डर गई थी, तो मैंने, अरे मैं डरी भी हूँ आरवी, ये देखकर कि वो क्या मायने रखती ना, तुम्हारे लिए कितनी फिक्र करने लगे हो, मुझे अब ये लग रहा है कि हम कुछ है कि नहीं, है कि नहीं? ये क्या बोल रही हो तुम माँ, ये सब क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रियली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? इतने ना समझ हो तुम आरवी, हमारी शादी होने वाली थी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और आरवी हो भी गई होती अगर मैं बाहर पढ़ने नहीं गई होती, और
आर्मी में बाहर पढ़ने के आगे तुमने पीठ पीछे उस लड़की से शादी कर ली और तुम्हें अंदाजा है ना मैं कितना टूट गई थी, मैं कितना हर्ट हुई थी, मुझे कैसा लगा था जब मुझे पता लगा। जब सबने मुझे समझाया, जब तुमने मुझे समझाया, मैं समझ भी गई। जब तुमने कहा यह शादी नकली है तो मैंने मानी तुम्हारी बात, भरोसा किया तुम पे, पर अब जो मैं देख रही हूँ आदमी बहुत अलग है, ये कुछ और ही हो रहा है। आरवी, मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था ना कि तुम मौन का ख्याल रखोगे, इसे कभी हर्ट नहीं करोगे, कहाँ गया तुम्हारा प्रॉमिस? एक मिनट, क्या है सब? अब ये कहाँ की बात कहाँ जा रही है? आप सब लोग बिना मतलब के ये सब क्यों सोच रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है, पूर्वी डर गई थी, कांप रही थी, रो रही थी, मैंने बस उसे संभाला है इंसानियत के नाते। अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो यही करता। तो मोनिशा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और आप सब भी प्लीज ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूर्वी कुछ नहीं है मेरे लिए। चलो ठीक है, मान लिया। क्या तुम्हें याद है मैं आज रात यहाँ क्यों रुकी? नहीं, उसे याद तक नहीं। आरवी, तुम्हें सच में याद नहीं है? आरवी, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी? हाँ, तुम दोनों की लव एनिवर्सरी। आज तुम दोनों की प्यार की सालगिरह है। रिमेम्बर आज के दिन मौन ने तुम्हें प्रपोज किया था? ओके, हाँ, सॉरी सॉरी मोनिशा, सॉरी आई फॉरगॉट। देख आरवी, जब तू अच्छे से जानता है कि मोनिशा कितनी सेंसिटिव है, उसे छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, तो फिर ये छोटी छोटी चीजों को तू याद क्यों नहीं रखता है? तू ऐसे बार बार उसे हर्ट करेगा तो उसे तो बुरा तो लगेगा ही ना? हाँ बिल्कुल, रोएगी भी, इसे शक भी होगा। क्यों भरचाई जी? ऑफ कोर्स शक तो उसे होगा ही, जब इतना स्पेशल दिन भी अगर तू याद नहीं रखेगा तो। माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे जन्मदिन, सालगिरह वगैरह ये सब याद नहीं रहता, ये फर्स्ट टाइम थोड़ी हो रहा है, मुझे तो अपना बर्थडे तक याद नहीं रहता। देखो, इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। रियली आरवी को सालगिरह, बर्थडे याद नहीं रहते, ये हर साल अपना बर्थडे भूल जाता है और रिमाइंडर लिस्ट में मुझे डालना पड़ता है इसके फोन पे। हाँ, और उसके बावजूद ये कई बार रिमाइंडर लिस्ट देखता है लेकिन शाम तक भूल जाता है। चलो मोनिशा, अब तुम भी जाने दो, ठीक है? ठीक है, पर इसीलिए क्योंकि सब कह रहे हैं, लेकिन जो तुमने किया ना उसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट? हाँ, दिल दुखाया ना, हर्ट किया, तो मनाना भी पड़ेगा। कल डिनर पे लेके जाओ मुझे। ऑफ कोर्स आरवी लेकर जाना ही पड़ेगा, जस्ट से यस। ना करने के बारे में सोचना भी मत आरवी। ओके फाइन, मैं चलता हूँ।